हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्वाति दी है, मतलब जो स्वाति भामरा दी है उनका आज मैं आपको इंस्पायर्ड मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ। सो गाइस अब देखते हैं मैं किस तरह से ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी इंस्पायर्ड मेकअप लुक देखना है जो मैं करूँ ऐसे आपको लगता है तो मुझे कॉमेंट कर जरूर बताना, मैं वो जरूर ट्राई करूँगी। और हाँ, अगर आप स्वाति भामरा दी को नहीं जानते हो तो उनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे जाके जरूर चेक कीजिए, वो आपको बहुत पसंद आएगी, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है गाइस। सो गाइस मुड़ते हैं अब मेकअप की तरफ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं करने वाली हूँ सिटीएम प्रोसेस। सो मैंने सुबह उठ के सिटीएम प्रोसेस नहीं किया था, मतलब मैंने जब बात लिया था तब मैंने सिटीएम प्रोसेस नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों मैं वीडियो बना ही रही हूँ तो उसी वक्त मैं सिटीएम प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ। मतलब मैंने सुबह ही वीडियो बनाने बैठी हूँ तो उसी वक्त मैं सिटीएम प्रोसेस अपना कंप्लीट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने स्किन को हाइड्रेशन दे रही हूँ और सिटीएम प्रोसेस में किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से आपको भी करना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन और ही ज़्यादा डैमेज होने लगेगी। तो सो फॉलेस स्किन के लिए आपको ये करना ही ज़रूरी है। सो उसके बाद मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ प्राइमर, मतलब मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सो प्राइमर लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ ओपन पोर्स है वहाँ वहाँ मैंने प्राइमर लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ डार्क एरिया होता है विजिबल होता है, सो वो विजिबल नहीं होने के लिए मैं यहाँ पे वहाँ वहाँ कंसीलर लगा रही हूँ। आपको भी आपके शेड का कंसीलर लगाना ज़रूरी होता है। जो भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर उनके नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेबिलिन का फिटमी का जो मेरे पास फाउंडेशन है वो यूज़ करके अपने फिंगर से पूरे फेस के फूस पे फैला लिया है। अब मैं उसे ब्यूटी मिरर के हेल्प से पूरे फेस के ऊपर टैप टैप करके पूरी तरह से सेट कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर आपको वाटर में डैप करके ही लेना है, नहीं तो आपका बेस फ्लॉलेस नहीं देखेगा, आपका जो बेस होता है वो केकी साथ दिखने लगेगा। तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ये बेस है वो सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं मेबिलिन फिटमी की जो मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे जो हमारे जो मैंने बेस लगाया है उसे सेट कर रही हूँ, नहीं तो वो क्रैकी सा दिखने लगता है और अजीब सा ही लुक निकल के आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टोर के लिए शुगर का जो मेरे पास कॉन्टोर है वो यूज़ कर रही हूँ। और मैं अपने जहाँ जहाँ मेरे मतलब जहाँ जहाँ फेस के ऊपर कॉन्टोर करना होता है वहाँ वहाँ मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। आपको हल्के हाथों से ही कॉन्टोर करना होता है, नहीं तो हार्श लाइन दिखती है और वो विजिबल होती है, वो अच्छी नहीं दिखती है दिखने वालों को। तो आपको हल्के हाथों से ही अच्छी तरह से ब्लेंड करके ही आपको कॉन्टोर करना होता है। आप देख सकते हैं मेरे पास मतलब मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्टोर हो गया है, लेकिन मैं उसे सेट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर से अपना जो बेस है वो सेट कर रही हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ है उन्हें सेट कर रही हूँ, क्योंकि आईब्रोज सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आईब्रोज नहीं सेट किए तो आपका ना लुक ना इतना निखर के नहीं आएगा। अगर आप आईब्रोज एक बार सेट करके देखो फिर आपने देखना कि आपके आईब्रोज से आपका लुक जो है वो कितना डिफरेंट दिखता है आपके लुक में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आई मेकअप करने वाली हूँ। सो स्वाति भामरा दी ने जो आई मेकअप किया है उनकी तरह मैं यहाँ पे आई मेकअप करने वाली हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे मोर्फे का जो मेरे पास जैकलिन हिल पैलेट है उसका इस्तेमाल करके मैं अपना आई मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। जो भी शेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ मैं कौन कौन सा शेड लगा रही हूँ। वो उसी तरह से आपको भी वही शेड लगाना है और अपना आई मेकअप क्रिएट करना है। ये लुक ना मुझे बेसिकली बहुत पसंद आया था। उनके जो भी मतलब स्वाति दी के जो भी साड़ी वाले लुक होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं गाइस, मतलब सभी लुक अच्छे होते हैं लेकिन साड़ी वाले लुक ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। आप भी वो साड़ी वाले लुक सभी ट्राई कर सकते हो और देखना गाइस आप उसमें ना मतलब ऐसे निकल के आओगे कि आप खुद के ही मतलब प्यार में पड़ जाओगे, मतलब खुद से ही आप प्यार करने लगोगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने वही कलर लिया है और अपने जो आईलाइनर है उसे ड्रॉ कर रही हूँ। स्वाति दी की तरह ही मैंने आईलाइनर नहीं यूज़ किया है, ब्राउन शेड है उसी से लेके मैं अपना आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ उनकी तरह ही। सो आपको भी इसी तरह से करना चाहिए। उसके बाद मैं इसी पैलेट से जो वही कलर मैंने लिया है और अपने जो वाटर लाइन है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे मैं अपना वही कलर अब फेस मतलब जो डैब डैब करके या फिर आप कह सकते हो इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे की जो मेरे पास काजल है लैक्मे का उसका यूज़ करके मैं अपने मतलब जो लोअर वाटर लाइन होती है और अपर लाइन होती वाटर लाइन होती है उसके ऊपर काजल लगा रही हूँ।
अच्छा सा लुक निकल के आया है गाइज। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लैशेज को कर्ल कर रही हूँ। आपको पता ही होगा मैं किस तरह से लैशेज को कर्ल करती हूँ, उसी तरह से आपको मैं मतलब मैं अपने लैशेज को कर्ल कर रही हूँ। उसके बाद अपने जो आई लैशेज होते हैं उन्हें वॉल्यूम देने के लिए मेरा फेवरेट जो ब्लू हेवन का अफोर्डेबल वॉल क्रीम मस्कारा है उसका यूज़ करके मैं अपने जो आई लैशेज होते हैं उन्हें वॉल्यूम दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लश इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं स्ट्रे करके का जो मेरा ब्लश है वही मैं इस्तेमाल करके अपने चीज को ब्लशी बना रही हूँ। आपको हार्श नहीं करना है, आपको हल्के हाथों से ही करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ब्लू हेवन का जो ब्लश है लेकिन मैं उसे हाईलाइटर के तरह यूज़ करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो डायमंड या फिर आप गोल्डन कलर का कह सकते हैं उसका मैं हाईलाइटर कलर यूज़ करने वाली हूँ। जहाँ जहाँ ऊपरी हिस्सा है वहाँ वहाँ मैंने हाईलाइटर लगा लिया है। उसके बाद अब बारी आती है लिपस्टिक की। सो यहाँ पे मैंने मरूनिश रेड टाइप की कोई लिपस्टिक चूज़ की है क्योंकि स्वादी ने भी ऐसी लिपस्टिक चूज़ की थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए फिर से मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ये लुक कितना निखर के आया। आपको मेरा ये स्वाति भामरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छा लगा हो, अगर आपको ये स्वाति दी का मेकअप मैंने जो रिक्रिएट किया है वो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स।